हे hey दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने को लेके बहुत से लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। कई सवाल आते हैं दिमाग में, जैसे क्या बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और यही कंफ्यूजन सवाल की वजह से मैक्सिमम लोग कभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं करते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ गाय कावासाकी की फेमस बुक द आर्ट ऑफ स्टार्ट 2.0 की कई इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा, जो आपके बहुत से कंफ्यूजन सवालों को खत्म करेंगे। बिजनेस आइडिया सोचने से लेके बिजनेस मॉडल डिसाइड करने तक सब गाय ने इस बुक में, जैसे कि सिलिकॉन वैली वाले बोलते हैं, अपनी सारी लाइफ नॉलेज का कोरडम किया है। मतलब अपनी सक्सेसफुल बिजनेस लाइफ में सीखी गई सारी बातें, हजारों स्टार्टअप के साथ डील करने का एक्सपीरियंस, उनमें से कईयों में इन्वेस्ट करने के बाद मिली विजडम, सब उन्होंने शेयर करी है। ऑथर बोलते हैं कि कई लोग जब बिजनेस करते करते सालों निकाल लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि काश उन्हें जितनी चीजें आज पता है वो स्टार्ट में ही पता होती, तो सब कुछ कितना जल्दी और बेटर होता। वेल, ऑथर इस बुक के थ्रू यही चाहते हैं कि आपको ये फ्यूचर में बोलना ना पड़े। सो लेट्स बिगिन। देखो, सच तो यह है कि हर बिजनेस में दो फेज आते हैं, पहला माइक्रोस्कोपिक फेज और दूसरा टेलीस्कोपिक फेज। माइक्रोस्कोपिक फेज वो होता है जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चल रही होती, और जब लोग बेसिक फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट एक्सेट्रा, मतलब डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। जबकि टेलीस्कोपिक फेज वो होता है जब बिजनेस अच्छा चलता है, लोग बड़े सपने देख रहे होते हैं, दुनिया बदलने की सोच रहे होते हैं अपने बड़े बड़े विजन्स के साथ। गाय बोलते हैं कि जब ये फेज आता है तब सब एस्ट्रोनॉमर बन जाते हैं, जिन्हें आसमान तारों से भरा दिखता है। बट जब माइक्रोस्कोपिक फेज आता है तब हर चीज में उन्हें प्रॉब्लम दिखती है। बट फैक्ट तो ये है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए हमें ये दोनों ही फेज चाहिए होंगे, और ये दोनों फेज हैंडल करने के लिए हर एंटरप्रेन्योर को पांच चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पांच चीजें ही है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाएगी, जो है मेक मीनिंग, मेक मंत्रा, गेट गोइंग, बिजनेस मॉडल, वीव मैट। सो अब हम इन्हीं पांचों को अच्छे से समझेंगे। नंबर वन, मेक मीनिंग। पहले के टाइम पे अगर आपको कंप्यूटर यूज करना होता तो आपको किसी बड़ी कंपनी, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट में काम करने वाला होना होता था, क्योंकि तब बस वही कंप्यूटर यूज होते थे। इसलिए स्टीव और वॉजनिक ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो नॉर्मल लोग भी यूज कर सके, और बस ऐसे ही शुरुआत हुई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, एप्पल की। डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर जब ग्लू बनाने का ट्राई कर रहे थे तब गलती से उनसे एक ऐसा सब्सटेंस बन गया जो ग्लू से कमजोर था बट स्टिकी था, और इसी चीज ने फिर पोस्ट इट नोट्स को जन्म दिया। रे क्रॉक ने जब नोटिस किया कि एक बहुत अननोन अकेली सी जगह की दुकान से 8 मिक्सर्स के ऑर्डर आए हैं, तब उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी हुई, जिसके बाद जब उन्होंने उस रेस्टोरेंट को विजिट किया तब उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आया, और तब उन्होंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसा रेस्टोरेंट हर जगह क्यों नहीं है, और बस फिर वहीं से मैकडोनल्ड्स की स्टार्टिंग हुई। फर्डिनेंड पोर्शे को उनकी ड्रीम कार नहीं मिल रही थी, इसीलिए फिर उन्होंने खुद से ही ऐसी ड्रीम कार बनाना स्टार्ट कर दी, जिससे पोर्शे कंपनी की स्टार्टिंग हुई। देखो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक ग्रेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक इंसान को कई कॉम्प्लिकेटेड चीजें पता होनी चाहिए, एक ग्रेट आइडिया, प्लान होना चाहिए, बट सच तो यह है कि कई ग्रेट कंपनीज ग्रेट बनी है बस कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर सर्च करके। ऊपर बताए हर बिजनेस एग्जांपल्स के पीछे कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस आप भी पूछ के अच्छे बिजनेस आइडियाज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इजंट इट इंटरेस्टिंग। 8 मिक्सर का ऑर्डर, ग्लू से हटके सब्सटेंस बनना, ये इंटरेस्टिंग चीजें थी जिसका आंसर फाइंड आउट करने पे ही मैकडोनल्ड और पोस्ट इट नोट का आइडिया पैदा हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, इज देयर अ बेटर वे। स्टीव और वॉजनियाक ने मैकिंटोश बनाया, और फर्डिनेंड पोर्शे को खूबसूरत पोर्शे कार्स बनाने का बिजनेस आइडिया आया इसी क्वेश्चन की वजह से। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन जो आप यूज कर सकते हो वो है, देयरफॉर व्हाट। एग्जांपल, आने वाले टाइम में सब कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो क्या अभी का कंप्यूटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यूज करने के लिए, तो क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो लोगों का कंप्यूटर यूज करना इजी कर दे। और यही क्वेश्चन के आंसर ने बिलगेट से माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोग्राम बनवाया। नाउ, दो और क्वेश्चंस जो आपको बिजनेस आइडिया सोचने में हेल्प करेगा वो आपको खुद मार्केट के लीडर्स, बिजनेस कर रहे लोगों से ही मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द लीडर वीक। एग्जाम्पल, IBM डायरेक्ट कंपनीज को अपना प्रोडक्ट सेल कर रही थी, सो डेल ने अपॉर्चुनिटी देखी और डायरेक्ट कस्टमर्स को टारगेट किया और मार्केट में अपनी जगह बना ली। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर आर कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड। एग्जाम्पल, पहले बाहर वालों को डीवीडी स्टोर्स में जाके मूवीज की डीवीडी लेनी पड़ती थी, जो कस्टमर्स को इतना पसंद नहीं था, इसलिए ही फिर नेटफ्लिक्स की शुरुआत हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखो, आपको बिजनेस बस पैसों के लिए नहीं करना है, बल्कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए करना है, मीनिंग ऐड करने के लिए करना है। बिकॉज फैक्ट ये है, जो कंपनीज बस पैसों के बारे में सोचती है वो कभी बहुत बड़ी नहीं बन पाती। इसलिए इन क्वेश्चंस की हेल्प से एक ऐसा आइडिया सोचो जो लोगों की लाइफ में मीनिंग ऐड करे। सेकंड, मेक मंत्रा। लोगों की लाइफ में मीनिंग ऐड करने के साथ साथ आपके बिजनेस का एक मंत्रा भी होना चाहिए। मंत्रा बेसिकली एक बहुत पावरफुल लाइन होती है जो आपके बिजनेस का मिशन आपको याद दिलाती है। आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट करा, क्यों आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, ऐसे इंपॉर्टेंट बातें। अब याद रखो, मंत्रा और टैगलाइन दोनों अलग है। मंत्रा आपके और आपके एम्प्लॉयज के लिए होती है, जबकि टैगलाइन आपके कस्टमर्स के लिए होती है।
एग्जाम्पल, नाइकी की टैगलाइन है जस्ट डू इट, जबकि उनका मंत्र है ऑथेंटिक एथलीट परफॉर्मेंस। आपका मंत्र आपकी प्रेयर जैसी होगी, एक मैजिक सेंटेंस जैसी जो आपको बुरे वक्त में भी हिम्मत देगी, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से सोचो। दुनिया का सबसे छोटा मंत्र हमारे देश का एक हिंदी वर्ड है ओम। कुछ और एग्जाम्पल्स दो तो, डिज्नी का मंत्र है फन फैमिली एंटरटेनमेंट, स्टारबक्स का रिवॉर्डिंग एवरीडे मूवमेंट्स, IBM का थिंक। नंबर 3, गेट गोइंग। ज्यादातर लोग बिजनेस का सोचते हैं तो फिर वो बस प्लान बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं अलग अलग बातें, बट जो सबसे मेन चीज होती है एक्शन लेना, वही कभी नहीं लेते। ऑथर बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने की सबसे मुश्किल चीज होती है स्टार्ट करना, इसीलिए आप बस कैसे भी जल्दी से जल्दी एक्शंस लो। अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हो तो बैठो और कोड करो, फिजिकल प्रोडक्ट का सोच रहे हो तो प्रोटोटाइप बनाओ। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे वो है, फर्स्ट थिंक बिग। जेफ जब अमेजोन स्टार्ट कर रहे थे तब उन्होंने बस 30,000 या 3,00,000 बुक टाइटल से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने टोटल 30,00,000 बुक टाइटल के साथ अमेजोन स्टार्ट करा। ऐसे ही आप भी कुछ बड़ा सोच के स्टार्ट करो, ये चीज आपको मोटिवेट करेगी। सेकंड, फाइंड सोलमेट्स। ज्यादातर टाइम जब कोई एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो किसी एक इंसान का नाम ऊपर आता है, जैसे कि एप्पल के टाइम स्टीव जॉब्स का, लाइट बल्ब के टाइम एडिसन का, वर्जिन एयरलाइंस के टाइम रिचर्ड ब्रांसन का। बट सच तो ये है कि इन सब लोगों की सक्सेस के पीछे एक टीम थी या एक पार्टनर था जिसके साथ मिलकर सक्सेस पॉसिबल हुई। सिमिलरली आपके लिए भी जरूरी है कि आप एक पार्टनर बनाओ, एक टीम रखो जो आपको और जिन्हें आप मोटिवेट करके साथ में गोल्स पूरे कर पाओ। थर्ड, पोलराइज। कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते टाइम यही गलती करते हैं कि वो हर इंसान को अपना कस्टमर्स बनाने का सोचते हैं, सबको टारगेट करके इंप्रेस करना चाहते हैं। बट बेस्ट तो ये है कि आप बस एक नीश को इंप्रेस करो, भले से दूसरों को आपका प्रोडक्ट ना पसंद आए। फोर्थ, बिजनेस मॉडल। सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये चीज डिसाइड करती है कि आप अपने बिजनेस से एक्चुअल पैसे कैसे कमाओगे। एक अच्छा बिजनेस मॉडल सोचने के लिए आपको दो क्वेश्चंस पूछने चाहिए, पहला किसकी जेब में आपके पैसे हैं, और दूसरा कैसे वो पैसे आपको देंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन क्लियर करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, और सेकंड क्वेश्चन प्रोसेस और मैकेनिज्म बताएगा जिससे पैसे आपके पास आएंगे उनकी लाइफ में मीनिंग और वैल्यू ऐड करते हुए। अब कुछ बिजनेस मॉडल्स के एग्जांपल देता हूँ जो आप इन दोनों क्वेश्चंस की बेस पे सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर 1, इंडिविजुअलाइज्ड सॉल्यूशन मॉडल। यहाँ आप एक एक इंसान की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उन्हें अच्छे से समझते हुए। ये मॉडल आपके और कस्टमर्स में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकता है। बस इसके अंदर ये है कि आपको हर कस्टमर के साथ इंडिविजुअली डील करना होगा। एग्जाम्पल, लोगो डिजाइन करके देना या एनिमेशन करके देने का बिजनेस। सेकंड, मल्टी कंपोनेंट मॉडल। कोका कोला कंपनी का एक मॉडल ये भी है कि वो जगह के हिसाब से अपने हर लीटर का प्राइस चेंज करते हैं। मतलब एक दुकान में अलग प्राइस होगा, किसी कंपनी में अलग, थिएटर में अलग, और ऐसे ही जगह के हिसाब से वो अलग अलग चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। थर्ड, मार्केट लीडर मॉडल। ये मॉडल उनके लिए अच्छा होता है जो मार्केट में हमेशा कुछ नया लाते हैं, इनोवेशन करके, रिस्क लेके, और क्योंकि वो कुछ नया लाते हैं इसलिए वो उसके लिए प्रीमियम चार्ज करते हैं। एप्पल बहुत टाइम से मार्केट लीडर रहा है, बट अब दूसरी कंपनीज भी उन्हें टक्कर दे रही है। फोर्थ, वैल्यूएबल कंपोनेंट। इंटेल और डॉल्बी का बिजनेस मेनली डायरेक्ट कस्टमर्स को चीजें बेचने पर नहीं टिका है, बल्कि वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट दूसरे बिजनेस या कंपनीज को बेचते हैं जो उनकी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फिफ्थ, स्विच बोर्ड। ये मॉडल यूज करना तब अच्छा होता है जब आपके पास सप्लाई और डिमांड दोनों बहुत ज्यादा हो और आप मार्केट के लीडर हो। एग्जाम्पल, वॉलमार्ट के पास डिमांड बहुत है, इसीलिए प्रोडक्ट बनाने वाले डायरेक्ट उनके पास जाते हैं जिसे वो नेगोशिएट करके सस्ते में उनसे चीजें खरीदते हैं और फिर सस्ते में कस्टमर्स को बेचते हैं। सिक्स्थ, आफ्टर सेल मॉडल। इस बिजनेस में प्रॉफिट बस सामान बेचने में नहीं होता, बल्कि उस सामान के साथ और दूसरे सामान बेचते रहने पर भी होता है। एग्जाम्पल, एक प्रिंटर बेचने का प्रॉफिट, फिर उसके बाद बार बार प्रिंटर में लगने वाले इंक को बेचने का प्रॉफिट, ऐसे ही कॉफी मेकर और सोडा मेकर में भी होता है। सेवेंथ, फ्रीमियम मॉडल। ये मॉडल आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसमें यूजुअली सॉफ्टवेयर यूज होता है जो कंपनी आपको फ्री में यूज करने देती है, बट फिर उसके बाद अगर आपको एड निकालने हैं, सॉफ्टवेयर के ज्यादा फीचर्स चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो आपको पे करना होगा। एग्जाम्पल, Evernote आपको फ्री में उनका ऐप यूज करने देती है, बट फिर अगर आपको और ज्यादा स्पेस चाहिए तो आपको $75 ईयरली पे करना होगा। नंबर 5, वीव मैट। मैट स्टैंड करता है माइलस्टोन्स, अजम्पशन और टास्क के लिए। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करने वाला मैट ऊपर से गिरने वाले पत्थरों को किसी को लगने से बचाता है, वैसे ही बिजनेस में ये मैट आपको फेलियर्स के खतरे से बचाएगा। माइलस्टोन्स। वैसे तो स्टार्टअप बिजनेस में हजारों चीजें होती है जो आपको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी, लेकिन आपको उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बातों को निकाल के कुछ माइलस्टोन सेट करने होंगे। एग्जाम्पल, पहला माइलस्टोन, अपने आइडिया को प्रूफ करना। सेकंड, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस पूरे करना। थर्ड, प्रोटोटाइप बनाना। फोर्थ, फंड रेज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अजम्पशंस।
अजम्पशंस पे आप वो चीजें टेस्ट करोगे जो चीजें आप अज्यूम कर रहे हो। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट या सर्विस का परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट साइज कितना है, प्रॉफिट कितने होंगे, एक सेल करने कितना टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपके अजम्पशन सही है तो गुड, बट नहीं तो आपको चेंजेस करने होंगे, बेटर तरीके सोचने होंगे अपने अजम्पशंस को सच बनाने के लिए। और लास्ट, टास्क। ये माइलस्टोन जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं होंगे, बट स्टिल ये वो काम होंगे जो बिजनेस के लिए करना जरूरी है। एग्जाम्पल, ऑफिस रेंट पे लेना, लीगल काम करना बिजनेस के, की वेंडर्स फाइंड आउट करना, एक्सेट्रा। और बस यही है वो 5 चीजें जिसपे हर एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कमेंट करके बताएं आपको क्या चीज रोक रही है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो। सब्सक्राइब करें, मैं हर संडे बुक समरीज डालता हूँ और कभी कभी कुछ अलग टाइप के वीडियोस भी। और हाँ, बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो। और टू एंड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये बातें मैंने आपको द आर्ट ऑफ स्टार्ट 2.0 बुक से बताई है, जो कि बहुत अच्छी बुक है बिजनेस के लिए। अगर आपको इस बुक की सारी बातें सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके खरीद के सीख सकते हो, या फिर अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekin.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजोन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, उसके बाद वो आपको $15 चार्ज करेगी। वहाँ जाके आप ये बुक सुन सकते हो मेरी तरह। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।